हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम आईटी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग मेरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं कि चॉइसेस कब लॉक करना है या चॉइसेस को लॉक करने का करेक्ट एप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है। क्या हम फर्स्ट दिन लॉक कर दें या लास्ट दिन लॉक करें, मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद लॉक करें या मॉक सीट अलॉटमेंट के पहले लॉक करें। तो गाइस, आज अपन इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं काउंसलिंग टाइम पर आपकी मदद करता रहूँ। तो गाइस देखिए, बात ये आती है कि सर हम चॉइसेस कब लॉक करें। तो इट इज अपॉन अस कि हम कब चॉइसेस लॉक करना चाहते हैं। हम फर्स्ट दिन भी लॉक कर सकते हैं, लास्ट दिन भी लॉक कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होता है कि फर्स्ट दिन लॉक नहीं करना चाहिए, इवन 4 to 5 days लॉक नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस साल 25th तक जाने वाला चॉइस लॉकिंग, तो आपको 24 तक लॉक मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 तक लॉक मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अपनी चॉइसेस को सेव कर लीजिए, मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाती है फर्स्ट राउंड का, मात्र फर्स्ट राउंड का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड राउंड, क्योंकि सेकंड राउंड में बहुत सारे जो वेरिएशन हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद बहुत लोग अपनी सीट का फेरबदल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, जिसकी वजह से सेकंड राउंड में चेंज जाएंगे। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड राउंड, बट आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट राउंड। की फर्स्ट राउंड में जब आप सीट्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सी सीट मिलेगी यदि मैं ये ऑर्डर फिलअप करूंगा तो। और हाँ, वो 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बट 50-50 बात करें तो हो सकता है। तो ना ऑन दैट केस वो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है अपनी चॉइसेस को रीअरेंज करने के लिए वंस मोर। लेकिन वंस आप यदि एक बार उसे लॉक कर देंगे चॉइस को पहले ही, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इफ इन केस आपको इन 10 दिन के पीरियड में या 5 दिन के पीरियड में आपके अंदर कुछ ऐसा आता है कि नहीं मुझे ऐसी ब्रांच पे जाना, मुझे इसी कॉलेज जाना है, लेकिन एक बार चॉइस लॉक कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और जो एक बार चॉइस लॉक हो गई वो पूरा परमानेंट लॉक हो जाएगा हर राउंड के लिए। इसलिए मेरा सजेशन है कि चॉइस लॉक करने का जो प्रॉपर टाइम होता है वो होता है अप्रॉक्स 2 to 3 days और 1 to 2 days बिफोर चॉइस लॉकिंग लास्ट डेट। अदरवाइज वो चॉइसेस तो खुद से लॉक हो जाएंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यदि आप लॉक नहीं करते हो तो एट द एंड ऑफ डे वो खुद से लॉक मानी जाएंगे, क्लियर है। लेकिन यदि किसी बच्चों को लगता है कि मुझे लॉक कर देनी चाहिए, तो आप वो ट्राई करिए कि 1 to 2 days बिफोर लास्ट डे लॉक करिए। पहले आप मॉक सीट अलॉटमेंट का वेट करिए, क्योंकि मॉक सीट अलॉटमेंट की वजह से आपको एक आइडिया तो लग जाएगा कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और फिर यदि इफ इन केस आप कोई वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप वेरिएशन कर सकते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट दिन लॉक करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप उसको लास्ट टाइम पर ही लॉक करिए। और गाइस एक और मैं डाउट क्लियर कर दूं लास्ट में, कई बच्चे पूछते हैं कि सर चॉइसेस कितनी फिलअप कर सकते हैं। बेटा, जितनी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है आप पूरी की पूरी चॉइसेस भर सकते हैं। हाँ, प्रेफरेंस ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफरेंस रख रहे हैं, क्लियर है गाइस। जैसे जिन बच्चों ने आईआईटी भी क्वालिफाई किया उन्हें एनआईटी और एनआईटी सब मिलेगा ऑप्शन, जिन बच्चों ने एनआईटी क्वालिफाई किया है तो उन्हें आईआईटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मात्र एनआईटी का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर है गाइस। मतलब जिन बच्चों ने मात्र एनआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया, मतलब जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया, तो उनको आईआईटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट गाइज, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आप पूरी भरने के लिए, मतलब आपके लिए पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि आप इनको भरेंगे इसको नहीं भरेंगे, क्लियर गाइज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो में आपको हम हेल्प करते रहे। और प्लीज गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।